कि वो जहां कहीं भी जाते हैं अपनी सोच में मैं भी उनके साथ जाती हूं, और मुझे खुशी है कि मेरे इस सफर में अब तुम भी शामिल हो। तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दी है हेगार, बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत अच्छी हो। जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करने लगी हूं। वो लौट आए, अब्राहम आ गया। अब्राहम की कामयाब वापसी का सारा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। लॉट कैसा है और उसकी बेटियां, वो नहीं आए? लॉट नहीं आ सका क्योंकि उसे अपने बिखरे हुए कबीले को फिर से जमा करना था, पर वो जल्दी ही आ जाएगा। मुझे आने की जल्दी थी, तुम्हारी फिक्र थी, और वो कहां? हेगार यही है। नहीं आई, आती ही होगी। कोई खबर? नहीं, अभी तक नहीं। उस खबर के लिए मैं आपसे भी ज्यादा बेताब हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं आपा की तरह भागते हुए नहीं आ सकी। ये तो खुद को लेकर आई हैं, मुझे किसी और को भी लेकर आना था। आपका बीज जो मेरे पेट में है उसकी हिफाजत अब मेरे लिए बहुत जरूरी है। हमारा बेटा, अब्राहम का बेटा, सारा का बेटा इश्माइल। खुदा ने हमारी फरियाद सुनी। इश्माइल का मतलब है खुदा ने सुना। इश्माइल, 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 इश्माइल। अब्राहम, तुम इसके बाप हो। हेगार ने इसे पैदा किया है, लेकिन इसके पैदा होने की सारी तकलीफें सारा ने सही है, ये कोई भूले नहीं। माँ बनने के बाद हेगार आपा को ये सब नहीं करना चाहिए। तो क्या करे, इनका काम तो बड़ी आपा कर रही है। चल रहा है, इश्माइल रो रहा है। ले 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 ले। ना 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 ना।
ना 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 ना। पहले भी आ सकती थी, इसे इतना रुलाने की क्या जरूरत थी? ये मासूम तो नहीं जानता, पर आप तो जानती है कि इसकी माँ कौन है। इसके लिए रो रहा था ये, और ये आप तो दे नहीं सकती। माँ का छूना, माँ की खुशबू, माँ की गोद, बच्चा बोल तो नहीं सकता मगर पहचानता सब है। जो आप दे नहीं सकती उसे आप देने की कोशिश क्यों करती हैं? आप इसे रुलाया मत कीजिए। देख 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 अहिरा, इस्माइल का रोना बंद हो गया। अली ले मेरा बेटा, ले ले ले। जो में आताई यानी देने का दिन, आपके हाथ में खुदा ने वो बरकत बख्शी है कि जो हमने पिछली बार लिया था वो अभी खत्म नहीं हुआ कि आपका फिर देने का दिन आ गया। देता खुदा है, पैदा तुम करते हो, अब्राहम तो सिर्फ बांटता है। बेतेल की हबिला, कसलूम की बेवा, अब्राहम वो चिराग है जिसकी रोशनी में हम चलते हैं, और वो ठंडी छांव है जिसके तले हम जीते हैं। हेगे इस्माइल, बेटा बाप से कुछ मांगने आया है। क्या बात है बेटे, तुम्हें भी कुछ अनाज चाहिए? यूं क्यों खड़े हो? इधर आ बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? इस्माइल की तरफ से माफी मैं मांगती हूँ। इसे ना अनाज चाहिए ना मौसम का हिस्सा, इसे अपना हक चाहिए, अपना पैदाइशी हक। देंगे? क्यों नहीं देंगे, मांगे। इसकी तरफ से मैं मांगती हूँ, इसके सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आपके बाद ये सरदार होगा, आपके बाद ये कबीला इसका होगा। मेरे बाद ना, मेरे पहले क्यों? आप तो कभी भी दे सकते हैं, पर हमारा तो मांगने का दिन यही है ना। 12 साल का हो गया है, इसकी झोली में अब सरदारी डाल ही दीजिए। मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं एतराज करूंगी क्या? ये किस बिना पर एतराज करेंगी? इनका बेटा होता तो ये मांगती, पर नहीं है, मेरा है तो मैं मांग रही हूँ। तुमने भी यही दिन चुनना था क्या? इस दिन में क्या खराबी है, सब है, सारा कबीला है। आज ये ऐलान कर ही दीजिए कि इस्माइल आपका वारिस है। इस्माइल तैयार है? ये तैयार है, पर हो सकता है
कि मैं नहीं। क्यों नहीं, कोई और उम्मीद है? बंजर जमीन से पेड़ उगेगा और आप फल पालेंगे। हैगर, कहिए कि विरासत इस्माइल की ही है, और है कौन? इनकी सूनी गोद का लाडला भी तो यही है ना। ये हमारी रवायत में है सरा।